हेलो क्लास, टुडे वी विल डू रैशनलाइजेशन टाइप फोर्थ, राइट। सीधा क्वेश्चन, उससे पता चलेगा हमारे क्वेश्चन किस टाइप के हैं। क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो हमें कैसे करना है, ये अपॉन में आ गया, राइट। अब यू कैन सी हियर, राइट, सोल्यूशन देखो तरीका क्या है। सोल्यूशन एक्स कितना है, टू प्लस रूट थ्री, राइट। और हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। यानी कि देखो ये हमारा कहाँ से बन गया, पहले तो आप एक काम करो, देखो वन अपॉन एक्स में भी है तो आप पहले वन अपॉन एक्स निकाल दो, वन अपॉन एक्स। अभी वन अपॉन एक्स मतलब वन अपॉन, इसकी वैल्यू टू प्लस रूट थ्री। अब ये नीचे आ गया रूट, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री। अब सॉल्व करो, नीचे तो वही बनना चाहिए आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फोर माइनस थ्री और ऊपर क्या गया, टू माइनस रूट थ्री। तो ये हो जाएगा टू माइनस रूट थ्री अपॉन वन, और हमारा आंसर कितना आ गया, टू माइनस रूट थ्री। यानी कि आपका वन अपॉन एक्स कितना आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं टू माइनस रूट थ्री, इसको यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं, ये आपका वन अपॉन एक्स आ गया। और आपके पास एक्स भी है, ये दोनों वैल्यू होगी, लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किससे बनेगा, ये फॉर्मूला बनाने के लिए आपने क्लास एट में आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। अब कौन सी आइडेंटिटीज की बात चल रही है, राइट, मैं इस वाली आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, यस नो। मुझे ये चाहिए तो इसको यहाँ भेज दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। यही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करूँगा, इस वाले फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। इसमें मेरा ए क्या है, एक्स है, बी क्या है मेरा, वन अपॉन एक्स। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, देखो ये देखो, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ए को क्या लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इजिकल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, गॉट इट सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए कितना है एक्स और बी कितना है वन अपॉन एक्स, एक्स से कैंसिल। तो आपका फॉर्मूला जो हमेशा याद रखना ये बन जाएगा, मेन फॉर्मूला आपका ये है कि यहाँ एक्स ये बन जाएगा आपका, राइट, गॉट इट। अब मुझे एक्स की वैल्यू भी है मेरे पास ये बॉक्स में, वन अपॉन एक्स की वैल्यू भी है ये बॉक्स में, वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है, टू प्लस रूट थ्री, और वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, टू माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू। पहले हमेशा देखो ब्रैकेट सॉल्व होता है, अंदर का सॉल्व करो, टू प्लस टू नंबर नंबर फोर, रूट थ्री प्लस में रूट थ्री माइनस में गेट कैंसिल, तो सिंपल जीरो हो जाएगा। तो रूट फोर का स्क्वायर माइनस टू, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस टू कितना आ गया, फोर्टीन आंसर आ गया आपका, जीरो आंसर, गॉट इट। क्या किया आपने, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक्स मिलेगा तो पहले इसका वन अपॉन एक्स निकालो, कैसे निकालना है, कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट से आ जाएगा। फिर आपने ये फॉर्मूला लगाना है, राइट, ये आइडेंटिटी लगानी है, तो इसका फॉर्मूला हमेशा ये बन के आ जाएगा। तो यानी कि ये इसका फॉर्मूला है जो हमेशा याद रखना, ये जो बॉक्स के अंदर रखा है इसको हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है आपका, राइट। लेट्स डू अदर क्वेश्चन, इसमें और क्वेश्चन करते हैं। और देखो ये क्वेश्चन ये भी है इसमें, राइट, आप देखो क्या बोला है कि आपको क्या निकालना है, अगेन एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस रूट टू रखा है, फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन सॉरी प्लस में रखा है। तो पहले आपने एक्स गिवन है थ्री माइनस टू रूट टू, हमारा काम क्या है पहले वन अपॉन एक्स निकालना है, वन अपॉन थ्री माइनस टू रूट टू कैसे निकलता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, टू रूट टू अपॉन थ्री प्लस टू रूट टू। नीचे तो आपका हमेशा रैशनलाइज में वही बनना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर देखो माइनस आएगा, टू का स्क्वायर फोर और रूट टू का स्क्वायर टू।
और ऊपर कितना हो जाएगा, 3 + 2√2। अब यहाँ ध्यान दो क्या बन जाएगा, 3 + 2√2/9 - 8 कितना आ गया, ये 1 बन जाएगा, यानी कि 1/x कितना हो जाएगा, 3 + 2√2। इसको इस बॉक्स में रख देते हैं, इसकी ये दोनों वैल्यू आ गई। फॉर्मूला वही है, क्या निकालना है, x² + 1/x² फॉर्मूला क्या जाएगा, x + 1/x² बार बार लिख लीजिए आपने, ये लिख देना आपने बस, राइट। अब वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 - 2√2, और 1/x की वैल्यू कितनी है 3 + 2√2/2। ये पार्ट कैंसिल, क्योंकि सेम है, और 3 + 3 = 6 - 2। 36 - 2 कितना होता है, 34 आंसर, राइट। लेट्स गो हेड और आगे बढ़ते हैं ऐसे पार्ट टाइप थर्ड क्वेश्चन देखो इधर। अब देखो आपका एक क्वेश्चन ये आ गया कि एक्स गिवन है, वाई गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² तो तरीका वही है, पहले क्या करो, एक्स और वाई को क्या करना आपने, ये नीचे हमेशा रूट हटना चाहिए जब भी आपको ऐड करना है। तो रूट हटाने के लिए क्या मेथड है आपको, आपको क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है, राइट। तो एक्स को अलग से रैशनलाइज करो, वाई को अलग से रैशनलाइज करो, राइट। तो कैसे करना देखो, ध्यान दो, फिर पहले एक्स लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू √3 + √2/√3 - √2। करो से रैशनलाइज, √3 + √2 से करना है, अपन √3 + √2 से करना है। नीचे तो आपका क्या बन जाएगा, सेम बन रहा है, a - b और a + b, तो √3 का 3 और √2 का 2। ऊपर a + b का होल स्क्वायर, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, √3 √3 3 + 2 ab होता है, एक √3 आएगा और √2 आएगा, और नेक्स्ट √2 √2 का 2 बन जाएगा। मैंने डायरेक्टली कर दिया फॉर्मूला, 3 + 2 5, 3 और 2 5 और 2, और √3 और √2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √6 बन जाएगा, और नीचे अपन 1 आ जाएगा। ये मेरा किसका आंसर आ गया, x का आ गया। ऐसे मैं y का निकाल सकता हूँ, √3 - √2/√3 + √2। किससे करना है, इसके कॉन्जुगेट से, √3 + √2/√3 कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ प्लस ना माइनस आएगा, राइट। कि नीचे वाले में हमेशा a² - b² बनना चाहिए, तो नीचे क्या बन जाएगा, 3 - 2 बनेगा, और ऊपर a² - b² बन रहा है, तो जो ऊपर बना है खाली बस साइन चेंज होगा, बाकी सारा नंबर सेम आएगा। 3 - √3 × √2 - 2 यहाँ +2 आ जाएगा, 5 - √6/1। दोनों पार्ट आ गए आपके। अब दोनों को क्या करना है, x मिल गया और y मिल गया, हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है x² + y² निकालना है। तो मेरा x कितना है, 5 + √6/2 प्लस y कितना है, 5 - √6/2। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ पर किसका स्क्वायर लगाओ, a - b का होल स्क्वायर। लेट्स डू इट, 5 का स्क्वायर 25, राइट, +2ab, 2a कितना है, 5 × b कितना है, 2√6, और इस पूरे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और √6 का स्क्वायर 6। अब इसमें भी अप्लाई करो, 5 का स्क्वायर 25 - 2ab, 2 × 2 √6 × 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 × 6, कि सेम है बस साइन चेंज होगा हल्का सा। अब देखो करो, 25 + 2 = 10, 10 = √6 और +24, यहाँ पर 25 अगेन, 2 × 4 राइट, 4 × 5 = -20√6 + 24। अब 25 + 24 = 49 + 20√6 + 49 + यहाँ माइनस आएगा 20√6, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, 49 + 49 + 49 कितना होना चाहिए, राइट, इट शुड बी 98 आंसर आ गया आपका। आपका आंसर कितना है, 98 है। याद रखना, पहले रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के बाद उनका स्क्वायर करो और आपस में क्या करना है, ऐड कर लो,
रैशनलाइज इज स्क्वायर करो ऐड करो राइट। और नाउ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस पार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको सबको अपने कॉपी में करने हैं। अब कुछ पे मैंने ये इंपॉर्टेंट लगाया, जो इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं वो आपके एग्जाम में बहुत बार आ रखे हैं, इसलिए दे आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। डू ऑल क्वेश्चन अगेन, कॉपी दैम इन योर कॉपी, इन योर क्लास कॉपी, एंड डू इट अगेन अगेन राइट। थैंक्स अ लॉट क्लास, थैंक यू।